गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट। क्या पढ़ रहे थे? कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट, जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था हम भारत के भरत। जिसका क्या नेम था? हम भारत के भरत। ओके, जिसमें हमने फर्स्ट पंक्ति को अच्छे से कल पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पंक्ति सेकंड। क्या पढ़ेंगे? इसमें सेकंड पंक्ति पढ़ेंगे। ओके, तो सेकंड पंक्ति में हमको क्या दे रखा है? क्या दे रखा है सेकंड पंक्ति में? सेकंड पंक्ति हम पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारिया। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारिया। कांटे पहले फूल बाद में देती ये फुलवारिया। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारिया। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बढ़कर हिंदुस्तान से। कांटे पहले फूल बाद में देती फुलवारिया। कांटे का मतलब क्या होता है? कांटे का मतलब होता है कष्ट, दुख। और फूल का मतलब क्या होता है? फूल का मतलब होता है आनंद, सुख। कभी दहकते, दहकते मतलब दुखी होना। कभी दहकते कभी महकते, महकते मतलब सुख शांति, सुख शांति। जीते मरते शान से। शान से मतलब गर्व से। शान से का मतलब क्या होता है? गर्व से। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारिया। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारिया। क्या करती है? दुख तो क्या करती है? पहले देती है, और सुख बाद में देती है। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से। कभी तो क्या होते हैं? दुखी होते हैं, और कभी सुखी होते हैं। और हम यहाँ पे गर्व से मरते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से। तो कांटे किसके लिए आए हैं? कष्ट और दुख के लिए। फूल किसके लिए? आनंद और सुख के लिए। दहकते का मतलब दुखी होना। महकते का मतलब सुख शांति के लिए काम करते हैं। शान का मतलब गर्व है। तो इस पंक्ति में कवि ने क्या कहा है? इस पंक्ति में कवि ने कहा है, कवि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, कवि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करती हैं। क्या करती हैं? कवि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहता है कि हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करती हैं। क्या करते हैं? इनका डटकर मुकाबला करते हैं। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। क्या आते हैं? फूल से पहले कांटे आते हैं, मतलब सुख से पहले क्या आता है? सुख से पहले दुख आता है। क्या आता है? सुख से पहले दुख आता है। हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। क्या करते हैं? कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं। क्या करते हैं? दहकते हैं। हम कभी अंगारे बनकर क्या होते हैं? दुखी होते हैं। तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियां फैलाते हैं। क्या करते हैं? हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं, मतलब दुखी होते हैं। तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियां फैलाते हैं। हम अपने देश के लिए शान से जीते और मरते हैं। संसार का कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। तो कवि ने क्या कहा है? कवि ने इस पंक्ति के अनुसार क्या बताया? कवि ने बताया है, कवि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहता है कि हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालों का डटकर मुकाबला करते हैं। यहाँ बगीचों में फूल से पहले क्या होते हैं?
कांटे आते हैं। इसका मतलब क्या बताया है? इसका मतलब बताया कि यहाँ पे सुख से पहले क्या आता है? सुख से पहले दुख आता है। क्या आता है? सुख से पहले दुख आता है। हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे? हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। किसका वर्णन किया है कवि ने? ये भाट का वर्णन किया है। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं। क्या करते हैं? अंगारे बनकर दहकते हैं। हम यहाँ पे कभी दुखी होते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियाँ भी फैलाते हैं। कवि ने हिंदुस्तान का वर्णन करते हुए बताया है कि छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करते हैं। क्या करते हैं हिंदुस्तान में? छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करते हैं। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या होता है? सुख से पहले दुख आता है। हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियाँ फैलाते। कभी हम दुखी होते हैं तो कभी हम बहुत खुश होते हैं। हम अपने देश के लिए क्या है? शान से जीते हैं और शान से मरते हैं। संसार का कोई भी देश हिंदुस्तान से क्या नहीं है? बढ़कर नहीं है। क्या नहीं है? बढ़कर नहीं है। ओके, तो आज हमने क्या किया? आज हमने इस चैप्टर की सेकंड पंक्ति को पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे? इसमें जो क्वेश्चन दे रखे इनके आंसर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनके आंसर पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें कांटे और फूल मिलते हैं। फुलवारियों से हमें कांटे और फूल मिलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन इस पंक्ति के अकॉर्डिंग है। क्या है? इस पंक्ति के अकॉर्डिंग है। तो फुलवारियों से हमें क्या मिलती है? क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें कांटे और फूल मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम शान से क्या करते हैं? हम शान से क्या करते हैं? हम देश के लिए शान से जीते हैं और मरते हैं। इस पंक्ति में हमें क्या पढ़ा था? हमने इस पंक्ति में पढ़ा था हम देश के लिए शान से जीते हैं और मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिंगारिया शब्द का आशय क्या है? चिंगारिया शब्द यहाँ के वीर बालकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। चिंगारिया शब्द यहाँ के वीर बालकों के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। हम भारत के भरत। क्या नेम है पाठ का? हम भारत के भरत। हम भारत के भरत। ओके, तो आज आपको क्या करना है? आज आपको इस पंक्ति को अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करना है। क्या करना है? इनको, इस पंक्ति को अच्छे से पढ़ना है। इसको अच्छे से पढ़ने और ये जो शब्दार्थ दे रखे हैं आपको, इनको आपको इस पंक्ति के अनुसार लैंड करने हैं। क्या करने हैं? इन शब्दार्थ को अच्छे से लैंड करना है। ओके, फिर इसका सरलार्थ निकालना है। सरलार्थ आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको देखना है कि इसका मतलब क्या होता है। बाद में आपको क्या करना है? इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है और इस शब्दार्थ को भी क्या करना है? आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। और बाद में क्या करोगे? इन क्वेश्चन आंसरों को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे। ओके, क्या करोगे? इनको अच्छे से राइट करोगे। ओके, फिर इनके आंसर को भी पहले क्वेश्चन लिखोगे फिर उसका आंसर लिखोगे। ओके, पहले क्वेश्चन लिखोगे फिर उसका आंसर लिखोगे। क्या लिखोगे? फिर उसका आंसर लिखोगे। ओके, पहले ये क्वेश्चन लिखोगे फिर ये आंसर लिखोगे, फिर बाद में ये क्वेश्चन लिखोगे फिर बाद में ये आंसर लिखोगे, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये आंसर, फिर ये क्वेश्चन और ये आंसर। इनको, आंसर को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करके इनको अच्छे से क्या करोगे? इनको अच्छे से लर्न करोगे। क्या करोगे? इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पंक्ति। ओके ओके, इनको क्या करना है? आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है।
और इस पंक्ति को अच्छे से पढ़ना है, इसके शब्दार्थ को अच्छे से लर्न करने हैं। ओके ओके बच्चों, ओके थैंक यू बच्चों।